दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही केयरफुली मैं आपको सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और थर्ड में कौन सी दवाएं लगी हैं, पेपर हटाया गया है और उसके साथ में किस तरह से चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल से बहुत ही बेहतर से बेहतर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दवाएं रखी हैं जो कि सिर्फ इन्हीं दवाओं का मैं प्रयोग करता हूँ अपने बर्ड में, और काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था और काफ़ी लोगों ने। एक्चुअली क्या है दोस्तों, अभी आज 2-3 दिन से मेरा जो फ़ोन है उसमें रिचार्ज ख़त्म हो गया है, जिसके कारण से काफ़ी दोस्तों के फ़ोन शायद नहीं आ पा रहे होंगे, वही रीज़न है। बाकी फ़ोन जो है दोस्तों बंद है अभी। तो आज मैंने सोचा क्योंकि फ़ोन नहीं आ पा रहा है तो उनको थोड़ा बेहतर तरीके से बताना होगा दोस्तों, तभी जाके सभी दोस्तों को समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो सेकेंड डे में, नहीं दोस्तों थर्ड डे में हमने दवा लगाया है वो है हमारा बिमराल। बिमराल दोस्तों जैसे एक्चुअली इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 50 ml। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी डोज आपको देना हो, देखना हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कैटल लिखा हुआ है और आपका थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है चिक्स। तो चिक्स को दोस्तों 5 ml पर 100 बर्ड इसमें दिया गया है। तो इस तरह से आपको अगर इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो आपको लगाना होगा 1000 बर्ड पे 50 ml पर। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 70 ml अपने 1000 बर्ड पे देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो दूसरी दवा है वो है ये नोवामॉक्स। ये दोस्तों हमारा एंटीबायोटिक के रूप में ये चल रहा है और उसके साथ में ही ये चल रहा है। फिर सुबह के टाइम पे दोस्तों मॉर्निंग में जो हम चला रहे हैं वो है हमारा ये नीरी सिरप। ये दोस्तों किडनी फ्रेशर है, गाउड जैसे गाउड केयर है पूरी तरीके से। इसको चलाने से जो आप देखते होंगे दोस्तों कि आपका ब्लड एकदम छोटा सा होता है, यानी लगभग 1 से 5 डेज तक का चूजा होता है, लेकिन कभी कभी मोटलिटी होती है पलट करके, तो उसके लिए दोस्तों ये आप चला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही सस्ती भी पड़ती है। ये 100 ml दोस्तों, 100 ml दवा आपको मात्र 135 रुपये इसमें प्राइस है, पर ये 100 रुपये की मिलती है और किसी किसी मेडिकल स्टोर पे ये मात्र 95 रुपये की ही मिल जाती है दोस्तों। तो ये आप लेंगे, ये चलेगा आपका, मान लीजिए फर्स्ट डे में आपको लगाना है तो 2000 वर्ड पे आप सीधा 100 ml की CC लगा सकते हैं। अब इसी के हिसाब से दोस्तों आप लोग जोड़ लीजिएगा कि अगर 100 ml आप लगाते हैं 2000 वर्ड पे तो आप उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और अपने बर्ड को चला सकते हैं। हाँ, ये जो टेबलेट लगता है दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये हमारा सिप्ला कंपनी का है और 500 mg का है। इसको दोस्तों हमें 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से सारी दवाएं दी जाती हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी की दवा होती है उसको 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये 40 किलो या 50 केजी पे कर दीजिए, जैसे कि मतलब अगर आपका बर्ड जो है फर्स्ट डे में है तो 50 केजी, उसके बाद सेकेंड डे में जैसे ही बर्ड आ जाता है दोस्तों, थर्ड और सेकेंड थर्ड, तब आप इसको 40 केजी पे कर दीजिएगा। तो यही है दोस्तों हमारी अभी जो शुरू से जो दवा लगनी शुरू हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बिमराल है।
ये नोवामास्क जो कि हमारा एंटीबायोटिक के रूप में लग रहा है, और थर्ड नंबर पे हमारी आती है नीरी। तो मैंने सोचा था कि दोस्तों को ये चीज़ एकदम डिटेल में बता देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा फ़ोन चालू नहीं है, कुछ रीज़न है दोस्तों इसलिए रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, बाकी कर लेंगे रिचार्ज। अगर किसी भाई को ज़्यादा ज़रूरत हो मुझसे बात करने की तो वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसको उस भाई से बात कर लूँगा। तो बाकी अभी दोस्तों अब ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने बर्ड को कि किस तरह से पेपर हटाया गया है और उसके साथ में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेपर लगा हुआ था, पेपर दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ख़राब हो जाता है, तो पेपर को आपको वैसे गर्मी के टाइम पे आप इसको 24 घंटे के अंदर ही हटा दें, पर ठंडक में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास डिब्बों की कमी है, मान लीजिए जो फीडर हैं वो फीडर की अगर आपके पास कमी है दोस्तों, तो आप थोड़ा पेपर और बढ़ा सकते हैं, मतलब एक आध दिन और चला सकते हैं जब तक कि आपका पेपर पूरी तरीके से ख़राब ना हो जाए। उस पे क्या होता है दोस्तों कि आपको अगर फीडर कम भी हैं तो आप आसानी से उस पे फीडिंग करा सकते हैं। तो अभी हमने दोस्तों क्या किया है कि सभी गोले से हमने पेपर जो है हटा दिया है, और उसमें हमने टर्बो फीडर के साथ में कुछ चिक्स फीडर भी लगाया है, क्योंकि दोस्तों चिक्स फीडर में होता क्या है कि थोड़ी सी भूसी बर्ड जो है भर देता है, जिसके कारण से उसको फीड खाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आपका चिक्स फीडर होता है दोस्तों ये अच्छा रहता है, क्योंकि इसको ही आपको पहले टांगना होगा, तो उसको तो लगाएंगे ही। बाकी दोस्तों आप टर्बो फीडर जो देख पा रहे हैं हमने जो लगाया है, अभी ये स्टैंड पे नहीं रखा गया है, क्योंकि दोस्तों आप अगर पहले दिन से ही स्टैंड पे रखेंगे तो हो सकता है कि जो बर्ड छोटा हो वो शायद स्टैंड के ऊपरी हिस्से पे ना पहुंच पाए। तो आप एक काम करें कि आप लगभग 3 से 4 दिन आप इसको ज़मीन में रखें, इसके बाद में दोस्तों आप इसको ऊपर रखें स्टैंड पे। तो स्टैंड पे पहले ना रखें। बाकी दोस्तों आपने देखा कि मैंने क्या क्या दवाएं लगाई है, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है, अगर आपने टेम्परेचर के साथ समझौता किया तो आपका बर्ड ना तो उतना बेहतर फीडिंग करेगा और ना ही उतना बेहतर पानी पिएगा, यानी पानी का इंटेक भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से दोस्तों ये कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत सारी दिक्कत देगा। तो इसलिए देखिए मैंने कितना सारा इसमें बल्ब लगा रखा है, हर साइड में आपको बल्ब दिखाई दे रहा होगा, और उसके साथ में 3 अंगीठी भी अभी भी जला रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन।